वर्ल्ड हो या हो मिस यूनिवर्स या हो धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित या फिर हमेशा मुस्कुराती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा हो, इन्हें पर्दे पर दिखने के लिए खूबसूरत कौन बनाता है? कौन है जो इनकी खूबसूरती को और भी तराशता है? आज आपको उस इंसान से मिलवाएंगे। He has made ordinary looking people like me also look beautiful. Please, and Shilpa, no, no, no. Please. And कहते हैं कि मिक्की का जब एक बार हाथ लगता है तो इट्स लाइक अ गुड ओमन और शुभ होता है, तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ मिक्की को बुलाने की बहुत ट्राई करती हूँ, लेकिन कभी उनके पास टाइम नहीं होता। हाल ही में उन्होंने मेरा मेकअप किया था फॉर अ फैशन वीक एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक, और काफ़ी साल हो गए से उनसे मिलके, पर ऐसा कभी नहीं लगता कि समय बीत गया है या मिले नहीं है कुछ अरसे से। और ऐसा नहीं है कि इन हसीनाओं को ही खूबसूरत बनाता है ये इंसान। 70 के दशक की हीरोइन की बात करें, फिर चाहे नीतू सिंह हो या हो जया बच्चन, एक जमाने में इनको भी उम्दा मेकअप किया करते थे मिक्की कॉन्ट्रैक्टर। बस मिक्की के लिए यही कहूँगी कि मेरे करियर की शुरुआत से वो साथ रहे हैं और बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। उनको ऑल द बेस्ट और आगे भी बहुत कुछ वो करने वाले हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। आई हैव नोन मिक्की एवर सिंस माय मॉडलिंग डेज, व्हिच इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ही इज बीन डूइंग माय फेस एवर सिंस देन। एंड मिक्की इज अ मैजिशियन दैट मेक्स हिम एन इंटरनेशनल एम्बेसडर फॉर इंडिया, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। मिक्की कॉन्ट्रैक्टर हैज डन, ही इज बीन अ ग्रेट फ्रेंड, but he's done my face and makeup for so many campaigns and films and I am so very proud of him. वैसे आपको बता दे कि यहाँ पर इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार के जज करण जौहर भी पहुँचे, तो बॉलीवुड की हसीनाओं की खूबसूरती का राज यही था जो हमने आज आपको बताया है। मुंबई से कैमरामैन रवि पांचाल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।